नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं संसद भवन पर और हमारे यहाँ मुलाकात होती है प्रोफेसर राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आज बाबा साहब का महापरिणाम दिवस है, तो ये क्यों मनाया जाता है और संगत वगैरह वो बताएं कि मतलब क्यों मनाया जाता है? देखिए, बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पे 6 दिसंबर को बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी में हम जानते हैं कि हर चीज़ अनित्य है, लेकिन बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब की जो विरासत है, वो विरासत उनके जाने के बाद और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और बहुत शिद्दत के साथ लोगों ने उनको अपना एक नेतृत्व, जो बाबा साहब का उस नेतृत्व को स्वीकार किया है। तो आज हमें लगता है कि 6 दिसंबर एक अवसर है हम सब लोगों के लिए कि जिन उद्देश्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया, बाबा साहब ने अपने पूरी विद्वता को, अपनी पूरी योग्यता को, अपनी पूरी क्षमता को, अपने पूरे परिवार को जिन उद्देश्यों के लिए लगाया, उन उद्देश्यों के लिए हम दृढ़ संकल्प लें कि भाई वो जो विरासत है वो विरासत को आगे बढ़ाएं। ये बात सही है कि अभी 6 दिसंबर उस तरीके से जैसे आज भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि खास तौर पे एक बात बताइए, 14 अप्रैल से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिवस दिन क्यों होता है? देखिए, इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है या 14 अप्रैल ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे लिए खास तौर पे बहुजन समाज के लिए कुछ खास अवसर हैं जिन पे हम अपने महापुरुषों के साथ, अपने महानायकों के साथ, अपनी महानायकों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ रिलेट करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि ये एक भावुक क्षण भी है जब बाबा साहब इस अपने एक महान जीवन को जी के हम को छोड़ के गए, इसलिए हमें लगता है कि हम इस समय पर एक अच्छा संकल्प लें उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक ऐसा हम अपना प्रण रखें कि भाई जो समता का, जो स्वतंत्रता का, जो भ्रातृत्व का आंदोलन बाबा साहब ने चलाया, उस आंदोलन के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारी क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो सकती है। इसको आप इस रूप में एक देख सकते हैं कि 6 दिसंबर को ही माननीय कांसीराम साहब ने वामसेफ नाम का संगठन भी बनाया। वामसेफ के बारे में ये जाना जाता है, माना जाता है कि वामसेफ इस तरह का संगठन रहा जिसने बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरी दुनिया में फैला दिया। बाबा साहब खासतौर पर जिस विचारधारा को आगे लेके चल रहे थे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी या सच्ची पुष्पांजलि होगी। अगर हम उनके उद्देश्यों को जी रहे हैं, हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा बाबा साहब का जो बाबा साहब की जो कहना चाहिए हमारे प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब की लायक संतानें बनने का प्रयास कर रहे हैं। 6 दिसंबर हम संकल्प दिवस के रूप में कर सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निश्चित कर लें कि भाई इस आंदोलन के लिए हम समय देंगे, हम अपना जो है टैलेंट देंगे, हम अपना ट्रेजर जो भी हमारे पास संभव है, जितना भी संभव है उतना हमें शेयर करना चाहिए सोसाइटी के लिए। इसलिए आज का दिन मेरे हिसाब से पे बैक टू सोसाइटी का डे है, जब समाज के वो लोग खासतौर पर जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन से फ़ायदा उठाया है, बाबा साहब के आंदोलन के जो लाभार्थी रहे हैं, वो बाबा साहब का कर्ज वापस करें। ऐसे में से बात कर लेंगे। रचमा जी, बहुत सारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।